टू एक्स प्लस टू साइन फोर एक्स प्लस साइन सिक्स एक्स बराबर फोर कॉस स्क्वायर एक्स साइन फोर एक्स। अब हमें क्या करना है इसमें, देखिए सबसे पहले प्रश्न आने की इसमें तीन का हम एक से लेकर 13 तक प्रश्न हम जो है इसके पहले वाले वीडियो में हल किए थे, आज इसमें 14 से लेकर 25 तक का प्रश्न हल करेंगे। तो 14 नंबर प्रश्न है साइन टू एक्स प्लस टू साइन फोर एक्स प्लस साइन सिक्स एक्स और आगे इतना लाना है, हम लोग ये लेक्चर्स लेंगे। तो साइन टू एक्स प्लस टू साइन फोर एक्स प्लस साइन सिक्स एक्स, इसमें क्या करेंगे इसको पास में रखते हैं सूत्र लगाने के लिए। साइन सिक्स एक्स पहले लिखिए फिर इसको बाद में, टू एक्स प्लस टू साइन फोर एक्स। अब क्या करेंगे साइन सी प्लस साइन डी का सूत्र लिखेंगे, साइन सी प्लस साइन डी का सूत्र होता है टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। आइए टू साइन सिक्स एक्स प्लस टू एक्स अपान टू कॉस सिक्स एक्स माइनस टू एक्स अपान टू प्लस टू साइन फोर एक्स। अब क्या करेंगे टू साइन छ दो आठ में भाग दे चार एक्स, छ दो आठ एक्स में से दो का भाग देंगे चार एक्स, यहाँ कॉस छ में से दो निकल चार एक्स में दो का भाग देंगे दो एक्स प्लस टू साइन फोर एक्स। अब क्या करेंगे टू साइन फोर एक्स दोनों में है, एक पद इतना है एक पद इधर है, तो टू साइन फोर एक्स कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा कॉस टू एक्स प्लस वन। अब कॉस टू एक्स प्लस वन भी मतलब हो जाएगा इसको तोड़ते हैं तो वन माइनस टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन इसका सूत्र हो गया और प्लस वन। कॉस टू एक्स का हम ढेर सारा सूत्र लिखवाए थे उसमें से एक याद भी है, हम ये वाला क्यों लगाए ताकि ये एक कट जाए क्योंकि इसमें एक नहीं लाना है, इसलिए हम कॉस टू एक्स के सूत्र में इस सूत्र का चयन हम इसलिए किए हैं ताकि यह एक कट जाए। क्यों कट जाए क्योंकि इसमें हमें एक नहीं लाना है, एक एक कैंसिल हो गया तो दो दुना चार कॉस स्क्वायर एक्स साइन चार एक्स बराबर आर एच एस। हाँ देखिए इसको सरल करना है मतलब इसके बराबर ए लाना है ना, हम लोग क्या करते हैं एक लाइन पहले क्वेश्चन को ही सरल करके तब सिद्ध करते हैं। जैसे देखो काट फोर एक्स फिर साइन फाइव एक्स प्लस साइन थ्री एक्स बराबर काट एक्स साइन फाइव एक्स माइनस साइन थ्री एक्स। अब क्या करते हैं यहाँ पे गुड़ा है इस साइड जाएगा भाग हो जाएगा, यहाँ पे गुड़ा है उस साइड जाएगा भाग हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा प्लस साइन पांच एक्स प्लस साइन थ्री एक्स नीचे साइन पांच एक्स माइनस साइन थ्री एक्स। यहाँ क्या होगा काट एक्स अपान काट फोर एक्स। अब हमारा क्वेश्चन ए बन गया, अब हम इसको ए वाला पक्ष को हल करते हैं, ये आना चाहिए तो यह लेक्चर से यहां से लेंगे साइन पांच एक्स प्लस साइन थ्री एक्स साइन पांच एक्स माइनस साइन थ्री एक्स। क्या करेंगे साइन सी प्लस साइन डी का सूत्र होता है टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू नीचे टू कॉस सी प्लस डी बाई टू फिर साइन सी माइनस डी बाई टू। अब क्या करेंगे ध्यान देखिए ये दो दो कट गया, साइन पांच तीन आठ में से दो का भाग देंगे चार एक्स बचेगा ऊपर बूढ़े काश पांच निकला दो एक्स, दो एक्स में दो का भाग देंगे तो क्या होता है काश एक्स नीचे पांच तीन आठ एक्स में दो का भाग देंगे चार एक्स पांच तीन निकला दो एक्स दो भाग देंगे एक्स। देखो इससे क्या बना टेन एक्स, क्या बना टेन एक्स टेन फोर एक्स बुढ़े इससे क्या बना काट एक्स। हमें क्या लाना है नीचे
नीचे काट 4x लाना है, जिसको लिखते हैं बेटे काट 4x, फिर काट x, काट x अपान काट 4x बराबर आर एच एस हो गया। देखिए ये डायरेक्ट सूत्र पे इसको कर लेना, कास सी माइनस कास डी का सूत्र ऊपर लगेगा, नीचे साइन सी माइनस साइन डी का सूत्र लगेगा, उसके बाद सरल कर देंगे आ जाएगा। सवाल नंबर 17 देखिए, सवाल नंबर 16 भी और 17 भी वैसे ही है, 18 में हम बता दे रहे हैं और 19 भी कर लेना। 18 नंबर को मैं प्रश्न बता दे रहा हूँ, उसको ध्यान देखिए। 18 नंबर का सवाल देखिए, साइन एक्स माइनस साइन वाई मतलब साइन सी माइनस साइन डी का सूत्र लगाइए। सबसे पहले सवाल थोड़ा सा एक लाइन प्रश्न लिखते हैं, कास एक्स प्लस कास एक्स। अब क्या करना है, साइन सी माइनस साइन डी का सूत्र होता है 2 कास सी प्लस डी बाई 2, फिर साइन सी माइनस डी बाई 2, नीचे होता है 2 कास सी प्लस कास डी का होता है 2 कास सी प्लस डी बाई 2 कास सी माइनस डी बाई 2। अब क्या करेंगे, या इससे कट जाएगा या वाला इससे कट जाएगा, पूरा बचेगा क्या, साइन एक्स माइनस वाई बटा 2 कास एक्स माइनस वाई बटे 2, क्या हो गया टेन एक्स माइनस वाई बटा 2 बराबर आर एच एस। ऐसे ही 19 नंबर का प्रश्न है, उसको कर लेना, पद लेकर इसको लाना है साइन एक्स माइनस साइन 3x, नीचे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कास स्क्वायर एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देखिए, साइन सी माइनस साइन डी का सूत्र लगाते हैं, 2 कास सी प्लस डी बाई 2, फिर साइन सी माइनस डी बाई, नीचे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स है, हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं, इसको लिखते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स। अब देखो क्या होता है, 2 कास 3 एक 4 एक्स, 2 का भाग देंगे 2 एक्स हो जाएगा, यहाँ पर जगह साइन 1 एक्स में से निकलेगा तो ऋण 2 एक्स बटे 2 तो ऋण एक्स बचेगा, यहाँ ऋण 2 एक्स बटे 2 कट जाएगा साइन ऋण एक्स बचेगा, पीछे क्या होगा माइनस कास स्क्वायर एक्स फिर साइन स्क्वायर एक्स। ध्यान कास 2x का होता है कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपान प्लस टेन स्क्वायर एक्स, कास 2x का सूत्र होता है। तो देखो कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा, कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स से हो जाएगा कास 2x। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग, कास 2x से कास 2x कट गया, 2 गुणे ऋण साइन एक्स, एक और सूत्र साइन ऋण एक्स वाला ऋण साइन एक्स, नीचे ऋण ऋण से कट गया 2 साइन एक्स बराबर आर एच एस। 21 बोला था, 21 नंबर प्रश्न करिए। देखिए 21 नंबर में इन सब प्रश्न LHS को हल करके RHS लाना है। ठीक, इसको हल करने के बाद ये वाला लाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिए आराम से LHS उतारते हैं, cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x कर ली, नीचे sin 4x प्लस sin 3x प्लस साइन 4x 2x साइन यहाँ 2x है। ठीक, अब हम लोग कैसे इसमें 3 ठो है कैसे सूत्र लगाएंगे उसको ध्यान से देखिए, हम लोग सेट करते हैं 4 और 2 6, 6 में 2 का भाग देंगे 3 आ जाएगा, इसलिए हम लोग इसको इसको पास में रखते हैं, ऐसे ही इसको इसको पास में रखते हैं, cos 4x प्लस cos 2x प्लस कास 3x, नीचे साइन 4x साइन 2x
साइन थ्री एक्स। अब क्या करना है, कास सी प्लस कास डी का सूत्र होता है टू कास सी प्लस डी बाई टू कास सी माइनस डी बाई टू प्लस कास थ्री एक्स। साइन सी प्लस साइन डी का सूत्र होता है टू साइन सी प्लस डी बाई टू फिर साइन कास सी माइनस डी बाई टू चार एक्स माइनस टू एक्स अपान टू और प्लस साइन थ्री एक्स। अब क्या होगा, टू कास चार दू छह दू को भाग देंगे तीन एक्स, चार एक्स दो निकला दो में एक्स दो का भाग देंगे एक एक्स कास एक्स प्लस कास थ्री एक्स। नीचे कितना होगा, दू साइन थ्री एक्स कास एक्स प्लस साइन थ्री एक्स। अब हम लोग देखते हैं हमारे पास दो पद है, एक धन किधर है इधर उधर धन किधर, हम लोग क्या देखते हैं इन दोनों में कास थ्री एक्स कॉमन है, यहां से लिखते हैं बराबर बटा ए वाला बटा यहाँ पर कास थ्री एक्स दोनों में कॉमन ले लिए, क्या बचा दो कास एक्स प्लस वन, दो कास एक्स प्लस वन। नीचे कास साइन थ्री एक्स कॉमन लेंगे, क्या बचा दो कास एक्स प्लस वन। अब ये कट गया कास थ्री एक्स अपान साइन थ्री एक्स बराबर हो जाएगा काट थ्री एक्स आर एच एस। हाँ देखिए ध्यान से, ये यहां से काट एक्स काट टू एक्स माइनस काट टू एक्स काट थ्री एक्स माइनस काट थ्री एक्स काट एक्स बराबर एक है ना। हम लोग क्या करेंगे, अब इधर का हल करके ये वाला लाना है, हम लोग क्या करते हैं कि इसको मतलब सरल विधि का उपयोग करते हैं। सरल विधि का उपयोग क्यों करते हैं, इसको हल करने पे वाला आएगा लेकिन थोड़ा सा मेहनत लगेगा, कैलकुलेशन लंबा जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं दूसरा तरकीब सोचते हैं ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए। हम लोग का जो तरकीब है उसको सेट करो दिमाग में, यहाँ तीन एक्स बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं टू एक्स प्लस एक्स लिख सकते हैं कि नहीं, थ्री एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं टू एक्स प्लस एक्स। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ काट ले लो दोनों पक्षों में काट लेने पर काट थ्री एक्स बराबर काट टू एक्स प्लस एक्स, काट थ्री एक्स ऐसे ही रहने दीजिए, इसका इधर सूत्र लगा दीजिए काट ए प्लस बी सूत्र क्या होता है, काट ए प्लस बी बराबर होता है काट ए काट बी माइनस वन अपान काट ए प्लस काट बी, यह सूत्र होता है। तो हम लोग उसी सूत्र का उपयोग करते हैं, आप काट टू एक्स काट एक्स माइनस वन नीचे काट टू एक्स प्लस काट एक्स इसी गुणा करते हैं, इसी गुणा करें कितना आ जाएगा काट टू एक्स काट एक्स माइनस एक बराबर गुणा करो काट थ्री एक्स इंटू काट टू एक्स, इसका भी इसमें धन इसका इसमें हो गया इसका भी इसमें काट थ्री एक्स इंटू काट एक्स। अब क्या करना है, एक को उस साइड भेजना है, इसको इस साइड इसको भी इस साइड बराबर एक, एक को इस साइड देखो मिलाओ काट एक्स काट टू एक्स काट टू एक्स काट थ्री एक्स काट थ्री एक्स काट एक्स बुरा दे, इसको क्रम से लिख लो चाहे ऐसे ही ना नहीं तो एक लाइन और अच्छे से लिख लो काट एक्स काट टू एक्स माइनस काट टू एक्स काट थ्री एक्स माइनस काट थ्री एक्स इंटू काट एक्स बराबर, यही लाना था दोनों एक साथ में आ गए
किस ऐसे प्रश्न सॉल्व करने के लिए क्या करना है, अलग से सोचना है, नए लक्ष्य से ना आरंभ से। हाँ देखिए, हमें अब जो है ये वाला हल करके ये वाला लाइए, चाहे ये वाला पर हल करके ये वाला लाइए, तो हम यही वाला लेते हैं लेक्चर्स टाइम पास। इसको हल करके चाहे ये वाला लाइए, चाहे इसको हल करके ये वाला लाइए, तो हम लोग ये वाला ले लेते हैं। इसको लिखेंगे टाइम टू इंटू टू एक्स। तो देखिए टाइम टू ए का सूत्र होता है टू टैन ए वन माइनस टेन स्क्वायर ए, होता है ना ऐसे ही टेन टू ए, ये हमारा इतना है टेन टू ए, एक स्थान पर टू एक्स लिखेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा टू टेन टू एक्स वन माइनस टेन टू एक्स का स्क्वायर, स्क्वायर के लिए हम कर दो, फिर क्या होगा टू गुणे टेन टू एक्स का फिर से सूत्र लगा टू टेन एक्स अपान वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स, यहाँ फोर टेन एक्स था तब देखो दो में आ गया ना, अब दो है तब एक मिलाना है, देखो एक में आ गया वन माइनस टेन टू एक्स का स्क्वायर है, तो हम लोग लिखेंगे टू टेन एक्स अपान वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर यहाँ गया। अब सरल करो, थोड़ा मेहनत लगेगा सरल करने में, हम लोग क्या करते ध्यान दो दो दुना चार, पहले ये वाला बटा हो गया, ये वाला बटा क्या हो गया दो दुना चार टेन एक्स नीचे वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स नीचे वन माइनस दो दुना चार टेन स्क्वायर एक्स पूरा होगा वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, इसका वर्ग कर दिए, इसको वर्ग के रूप में लिखे, इसका वर्ग कर दिए हैं, इसको वर्ग के रूप में लिखे। अब हमें क्या करना है ध्यान से देखो, फोर टेन एक्स बटा वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स, इसका इसका एलसीएम ले लो वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसका इसका एलसीएम ले लिए हो गया, ये वाला बटा ये है, इस बटा के ऊपर वाला भाग ये है और ये वाला भाग यहाँ यहाँ मैं लिख रहा हूँ, तो क्या करेंगे इसमें एक का भाग देंगे आएगा ऊपर उड़ा कर दे वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस, इसमें एक का भाग देंगे एक आएगा, एक का ऊपर गुणा करो फोर टेन स्क्वायर एक्स, क्या हो गया तो हम लोग क्या करेंगे ये वाला ये हो गया फोर टेन एक्स गुणे वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यह वाला ऊपर चला जाएगा नीचे वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स, फिर पुस्तक में लिखेंगे वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स के स्क्वायर माइनस फोर टेन स्क्वायर एक्स। अब क्या करेंगे यहाँ पर दो यहाँ पर दो एक माइनस टेन स्क्वायर एक्स है, यहाँ पर एक ये वाला कट जाएगा, बचेगा क्या ध्यान से देखो थोड़ा सा बराबर फोर टेन एक्स वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स, देखो मिल रहा है जो लाना है नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी और माइनस फोर टेन स्क्वायर एक्स, फोर टेन एक्स वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स वन प्लस टेन घाते चार एक्स माइनस छ टेन स्क्वायर एक्स, शायद यही लाना है क्या, इसको अच्छे से कर लेते हैं जैसे हमें चाहिए वन माइनस छ टेन स्क्वायर एक्स प्लस टेन घाते चार एक्स, यही लाना था बड़ा आर एच एस,
24 नंबर का प्रश्न देखिए, cos 4x = 1 - 8 sin square + cos square, यहां पर करेंगे LHS लेंगे, cos 4x लिखेंगे, सूत्र लगाइए, हमें क्या चाहिए 1 - 8 sin square + cos square, माने sin x में भी चाहिए और cos x में भी चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको साइन में चेंज करते हैं, पहले cos 2 इंटू 2x, cos 2a, cos 2a का ढेर सारा सूत्र होता है, हम बार बार लिखते हैं ताकि याद हो जाए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a होता है 1, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। हम लोग क्या करते हैं ना, साइन cos दोनों चाहिए, तो हम लोग ए वाला सूत्र लगाते हैं, साइन वाला लगाएंगे cos आ जाएगा, cos 2a, cos 2a हो जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर 2x। अब क्या करें, 1 माइनस 2 ऐसे ही रहने देंगे, यहाँ sin 2x है इसको घातीय 2 लिख लेंगे, 1 माइनस 2 sin 2x को लिखेंगे 2 sin x इंटू cos x स्क्वायर, 1 माइनस 2 दो दुना 4 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, दो दुना 4 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर, 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स आर एच एस। हाँ, सवाल नंबर 25, 3.3 का लास्ट सवाल है यार, कॉस 6x बराबर होगा कॉस, देखिए हमें सारा उत्तर कॉस में चाहिए, किसमें चाहिए कॉस में, हम लोग इसको लिखते हैं कॉस cos 2.3, चलो इससे करते हैं cos 2a, cos 2a का सूत्र होता है cos में, सारा उत्तर cos में चाहिए तो हमें cos में लिखना होगा, cos 2a, cos 2a, cos 2a होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, a के स्थान पर 3x लिखेंगे, cos 2a, cos 2a, 2 cos स्क्वायर a माइनस a, फिर लिखेंगे 2 cos 3x स्क्वायर यहाँ हो जाए माइनस a, फिर क्या लिखेंगे 2 cos 3x का आता है 4 cos 2x माइनस 3 cos x माइनस 1, cos 3x का 4 cos 3x माइनस 3 cos x स्क्वायर स्क्वायर, फिर 2 इसको तोड़ते हैं, a माइनस b का वर्ग क्या होगा a स्क्वायर, 4 cos 2x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 ab। फिर 2 4 दुना 8 cos घाते 6x प्लस 3 का 9 cos स्क्वायर x माइनस 8 चलनी आर्थिक 24 cos घाते 4x माइनस, ठीक। अब क्या करेंगे, 2 का गुणा कर दीजिए, 2 8 16 cos घाते 6x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 48 cos घाते 4x और माइनस, अब 16 cos x देखिए 4 चक 16 हो गया, 16 cos घाते 6 तो 16 दुना 32 हो जाएगा, तो हमारा क्रम इसको क्रम से लिख दीजिए अच्छे से, तो पहले 32 cos घाते 6 सही माइनस 48 क्या लाना है उसको अच्छे से लिख लो, 32 cos घाते 6 फिर कितना आ जाएगा माइनस 48 cos घाते 4x और फिर प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस बराबर ये हो गया आपका प्रश्न आया 3.3 एनसीईआरटी का पूरा हो गया है। अब अगले वीडियो में अगला टॉपिक चलेगा।